हाथरस में हादसा या हत्याकांड, पाखंडी बाबा के कत्लेआम की कहानी जहां चीख रही थी आत्मा, वहां पहुंचे हम। ग्राउंड जीरो से हर पहलू से उठाएंगे पर्दा। बताएंगे पाखंडी बाबा सूरजपाल का सच। हाथरस, ये वो जगह है जहां हादसे के 6 दिन बाद भी कानों में लोगों की चीख पुकार सुनाई दे रही है। यहां माटी का हर एक कतरा 100 से ज्यादा लोगों की मौत का साक्षी है और अपनी बेगुनाही का सबूत दे रही है। लेकिन सवाल यह है कि दोषी कौन, इस मुद्दे पर करेंगे पड़ताल, बताएंगे हर एक सच। जुड़े रहिए हमारे साथ। अभी हम हाथरस के फूलर रई गांव में मौजूद है, जहां पर विगत 5 दिन पहले जो घटना घटी थी, जिसमें चरण के ब्रिज के कारण, वो बोले बाबा के चरण के ब्रिज के कारण 121 महिला ने अपनी बलिदान दे दी। देखिए वही सत्संग का ये जगह है, देखिए ये मंच था। हाथरस में बाबा सूरजपाल के प्रवचन के दौरान हुए हादसे के 6 दिन बाद हमारी टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची। यहां श्रद्धालुओं के लिए बनाए गए टेंट को हटाया जा रहा था। हमने यहां एक एक मुद्दे पर पड़ताल की। सबसे पहले बात बाबा सूरजपाल से जुड़ी जानकारी की। जानकारी के मुताबिक प्रवचन पंडाल से मुख्य मार्ग की दूरी महज 200 मीटर थी, जहां से बाबा के जाने के लिए स्पेशल सड़क की व्यवस्था की गई थी और उस रोड पर बाबा के स्पेशल सुरक्षा गार्डों का पहरा था। एक देखिए बाबा के लिए ये रास्ते बने थे, ये रास्ते आपको दिखा रहे हैं, आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि बाबा के लिए एक स्पेशल गेट बना था, उनके लिए स्पेशल रोड बनी हुई थी और वो गाड़ी से सीधा आते थे। फिर यहाँ पर आगे बढ़ते हुए हम बाबा के मंच और फिर कंट्रोल रूम पहुंचे। यहां बाबा से जुड़ी कई संदिग्ध दस्तावेज, जिसमें श्रद्धालुओं को लोन देने का प्रमाण, कई बैंकों के संदिग्ध पासबुक, महिला सुरक्षा कर्मियों के लिस्ट समेत कई और सामान भी बरामद हुए। जब यहां पर हम लोग पहुंचे घटनास्थल पर, तो हमने पूरे डॉक्यूमेंट्स को टिटोलने की कोशिश किया, प्रयास किया, और देखिए डॉक्यूमेंट्स में मिला क्या है। देखिए ये सेवेदारों की ये लिस्ट है, ये सूची है, यहाँ लिखा हुआ है, देखिए नारायण सरकार हरि श्री संपूर्ण ब्राह्मण में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। समागम का आयोजन स्थल, ये जो स्थल है, जो सेवकधारी है, जो वर्दीधारी थे, जो बाबा के जो पर्सनल बॉडीगार्ड कह सकते, जो पर्सनल उनके सुरक्षा कर्मी थे, उनकी ये सूची है। उस सूची में सबसे प्रथम स्थान पे धनौती देवी का नाम है, और इस सूची में पूरे नाम तो नहीं पढ़ेंगे हम, देखिए इस सूची में आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस सूची में आप दिखाइए हमारे स्क्रीन पर, आप साफ तौर से देख सकते हैं, इस सूची में थोड़े से पानी गिरने के कारण धुंधुरेले हो गए हैं। पूरे के पूरे 33 सेवादार की ये सूची है, ये सेवादार जो है, ये सूची जो है, इस सूची में सिर्फ महिलाएं की ये लिस्ट है। पहले नंबर पे धनौती देवी है, दूसरे नंबर पे मती राधा रानी जी हैं, बाकी ऐसे मीरा देवी है, रीना देवी है, गुड्डी देवी है, ये जितने भी वर्दीधारी बाबा के जो सेविका थी उनकी ये सूची है। उसके बाद देखिए बहुत सारे पेपर हमने खंगाला है, उसके बाद देखिए एक और पेपर यहाँ पर मिला है, और इसमें देखिए ये कुछ प्रमुख नामे हैं, शीला देवी है, ये सेवकधारी का ये नाम है, इसमें नाम लिखा हुआ है, उनका पता लिखा हुआ है, उनका मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, और सबसे बड़ी बात और सबसे अहम बात, जो बाबा के अगला कीर्तन स्थल था उसकी सबूत इस बाबा के इस टेंट वाले की डायरी में मिली है। अब देखिए बाबा के अगली जो कार्यक्रम थे, जो अगला सत्संग था बाबा का, उसमें लिखा हुआ, देखिए पता कन्नौज उत्तर प्रदेश में, ये डेट की अगर बात करें तो बाबा को फिर से अगर एक बार बता दूं मैं कि बाबा हर मंथ के पहली मंगलवार को सत्संग करते थे। इसमें भी देखिए पहली मंगलवार को 6/8/2024, देखिए हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं, 6/8/2024 को बाबा का सत्संग कन्नौज में होना था, और उसकी ये डिटेल्स थी, ये टेंट वाले की पता है। और इससे पहले देखिए जो बाबा की ये टेंट वहाँ जो लगेगी, कितना फीट, कितना स्क्वायर फीट ये दिया गया है, बाबा के लिए क्या क्या वहाँ पर सुविधा चाहिए, कितने गेट चाहिए, सभी चीज़ इसमें मेंशन
किया हुआ है। अब देखिए टेंट वाले को बाबा पेमेंट कैसे करते थे, बाकी बारी बारी से मैं पेपर यहाँ के जो भी है वो टिटोल रहा था, डायरी देख रहा था कि कुछ सुराग मिल जाए। अहम सुराग ये मिला है कि देखिए बाबा टेंट वाले को पेमेंट कैसे करते थे। देखिए ये IFC कोड है, ये टेंट वाले की IFC कोड है, ये अकाउंट नंबर है, SBI बैंक का ये अकाउंट नंबर है, और नाम जो बैंक होल्डर का नाम है वो राज कपूर है। अब आपको दूसरी चीज दिखा रहे हैं, देखिए बाबा जिस सिंहासन पर बैठ के प्रवचन करते थे इसी पर बैठकर बाबा प्रवचन दे रहे थे, और यही वो घटना स्थल है, ये बाबा की सिंहासन है, इसी सिंहासन पर बैठकर बाबा यहाँ पर सत्संग करते थे। श्रद्धालुओं की जो भीड़ जुटी थी, श्रद्धालुओं में इतनी भीड़ जुटी थी चरण के ब्रिज के कारण कई महिलाओं ने अपनी बलिदान दे दी। यहाँ कुछ आई कार्ड्स पड़े हुए हैं, ये भी आई कार्ड सिर्फ महिलाओं के लिए है, देखिए सिर्फ महिलाएं के आई कार्ड्स यहाँ पर आपको मिलेंगे। ये देखिए ये गुड़िया देवी, ये मुख्य सेवादार थी, ये गुड़िया देवी थी जो इस नाटक में मुख्य सेवादार थी, ये सुरक्षा सेवा बाबा के लिए स्पेशल जो टीम थी महिलाओं के लिए, ये सभी के आई कार्ड, ये देखिए ये बैच है, अन्नी देवी का ये बैच है। बाबा ने सुरक्षा कर्मियों को इस तरह से व्यवस्था दे रखा था, बाबा ने अपने सुरक्षा कर्मियों के महिलाओं के लिए अलग आर्मी का सेवाधारी बनाया था सुरक्षा कर्मी में, और जेंट्स के लिए अलग ड्रेस कोड। अगर बात करें तो महिलाओं के लिए आर्मी के ड्रेस दे रखे थे और जेंट्स के लिए वाइट ड्रेस, जिस ड्रेस में बाबा खुद रहते थे। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि बताइए जब क्राउड 2 से 2.5 लाख की हो और टेंट में मात्र एक गेट एंट्री की हो तो भगदड़ भैया क्यों नहीं मचेगी। टेंट को हटाने में जुटे मजदूरों से बातचीत के दौरान बड़ी जानकारी मिली। जानकारी के अनुसार कार्यक्रम के लिए बनाए गए पंडाल में श्रद्धालुओं की क्षमता मात्र 60,000 की थी, जबकि पुलिस ने मात्र 80,000 लोगों के कार्यक्रम में शामिल होने की अनुमति दी थी। अच्छा ये आज आप टेंट खोल रहे हैं आपकी? जी सर। घटना जब हुई थी उस समय आप कहाँ थे? पंडाल में सर अंदर थे, सीलिंग खुलवा रहे थे। सीलिंग खुलवा रहे थे जी सर। बाबा उस समय कहाँ पर थे? सर वो निकल चुके थे। नहीं निकल चुके थे, थोड़े लगभग 2-4 किलोमीटर के अंतराल से निकल गए। तो स्थानीय लोग कह रहा बाबा यहीं थे, बाबा को जब पता चला तब बाबा यहाँ से गाड़ी बदल कर, क्योंकि सर हम जब सीलिंग खुलवा रहे थे अंदर के समय थे, उधर पता भी नहीं पड़ा था। हाँ। उधर आवाज भी नहीं आई थी किसी की, बाद को मालूम पड़ा जब भीड़ घट गई। दस्तावेज मिले हैं जिसमें बाबा की अगली जो कार्यक्रम होने वाली है उसकी डिटेल्स वहाँ पर थी, क्या आप ही लोग को जाना था? हाँ सर, हाँ आगरा जाना था और सैया और सोनारी, हाँ दो जगह जाना था, और कन्नौज सर। कन्नौज जाना था जी सर। कन्नौज 6 अगस्त के कार्यक्रम होने वाले जी सर। जी सर प्रथम मंगलवार। अच्छा बाबा आप लोग जो पेमेंट करते थे बाबा कैसे पेमेंट करते? सर बाबा कभी पेमेंट नहीं करते थे, जो कमेटी के सदस्य थे वो करते थे। कमेटी के सदस्य? हाँ हाँ वो कभी पेमेंट नहीं करते थे। आज जो आप लोग घटना घटे हुए 5-6 दिन बीत गए, आज आप लोग टेंट खोल रहे हैं, क्या पुलिस की अनुमति मिली या पुलिस इस पे रोक लगाई? सर पहले कुछ अधिकारी थे पुलिस वाले भी वगैरह और जो सब थे उन्होंने मना कर दिया था, आज उन्होंने कह दिया जो सामान उखड़ा पड़ा है वो बटोर लो, क्योंकि चोरी वगैरह हो जाती ना इसलिए, और बाकी छोड़ने को बोल दिया वो वाला सामने वाला। अच्छा घटना को लेकर हमने कई प्रत्यक्षदर्शियों और स्थानीय लोगों से भी बातचीत की, सभी ने घटना के लिए बाबा को दोषी माना है और सूरजपाल को फांसी देने की मांग की। लोग इतना आक्रोशित है कि उनका कहना है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो योगी सरकार खुद इस्तीफा दे दे वरना ठीक नहीं होगा। बाबा कुछ नहीं बता रहे थे, भूत खेल खेल रहे थे। बाबा भूत कर रहे थे? हाँ। और क्या क्या दावे कर रहे थे बाबा? नहीं कुछ दावा नहीं करा था, ये कहा था कि मैं मुर्दों को जिंदा कर देता हूँ। हाँ। हाँ। ये बाबा कह रहे थे? बाबा कह रहे थे। फिर बाबा के सत्संग में हुई घटना को कोई नहीं जिंदा? बाबा के आने बाबा आए तो ऐसी घटना शुरू हो गई है, मर गए थोड़े बहुत लोग, उनके बॉडी कार्ड फेंकते रहे उठा उठा के, बाबा के लिए खबर करी है कि बाबा निकलो यहाँ से, तो बाबा ने बाबा की जो सेवादार है उन्होंने हाँ उनको बाबा को बचाने में लगे थे। तो लोग तो ये कह रहे थे कि बाबा के जाने के बाद ये नहीं नहीं बाबा के सामने ही चालू हो गया ये दुर्घटना। बाबा के सामने? हाँ बाबा के सामने ही, और वो जो खड़े थे उनके बॉडी गार्ड वो सूचना देते रहे हैं बाबा के लिए कि बाबा निकलो जल्दी निकलो यहाँ पब्लिक मर रही है। तो बाबा के 6 बच्चे तो बाबा के सामने मर गए थे। अब साहब बाबा आया तभी हुई है, बाबा के सेवकों ने करवाई है। ये बाबा के सेवकों ने? हाँ और बाबा के सेवकों ने करवाई है, बाबा भी शामिल है उसमें। जब घटना हुई उस समय आप कहाँ पर थे? घटना हुई तो हम वो जोड़ी खड़ी है वहाँ पे थे, हम उसी जगह पे आप खड़े थे? हाँ वहीं खड़े थे। बाबा की गाड़ी हमारे सामने गई थी निकल के, और जनता पीछे भाग रही, और बाबा शीशे में बिल्कुल बंद गया था, खुला भी नहीं था शीशा। तो क्या लगता है बाबा सही है या बाबा गलत? बाबा गुंडा है, गुंडा है बाबा, बाबा नहीं है। हाँ।
तो बाबा की गिरफ्तारी होनी चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए, फांसी लगनी चाहिए या एक टांग एक हाथ काट के डाल दो बाबा का। बाबा की गिरफ्तारी होनी चाहिए। हाँ होनी चाहिए, अगर योगी महाराज जी नहीं करेंगे तो वो भी अपना इस्तीफा दे दें, अगर नहीं करते हैं तो वो भी अपना इस्तीफा दे दें, क्यों किसी की माँ उजड़ी है, किसी की गोद उजड़ी है, किसी भाई बहन का भाई गया है, कोई विधवा घूम रही है, तो योगी महाराज जी अगर बाबा को पकड़ रहे हैं नहीं पकड़ रहे तो अपना इस्तीफा दे दें। और क्या क्या दावे कर रहे थे बाबा? वो अपनी भतीजी को जिंदा करने का दावा किया था बाबा। हाँ कहाँ जिंदा किया, तो मरी हुई डेड बॉडी को अपना। अब से बताइए, क्या दो भतीजी की जो बात कर रहे थे, क्या भतीजी को उन्होंने दावा किया था कि मरे हुए भतीजी को हम जिंदा कर देंगे? जिंदा कर देंगे, दो दिन अपने आश्रम में रखा उसने, जिंदा किए नहीं किया, मर गया, वो कहाँ जिंदा किया। क्या लगता है बाबा का प्रवचन सुनकर क्या लगा, बाबा सही है? भाई अब अंधविश्वास है, क्या सही है? मर गए पहले था अंधविश्वास, अंधविश्वास था। अच्छा कितनी की भीड़, कितनी की संख्या में भीड़ थी? कम भाई साहब तुम झूठ मारो, 2.5 लाख की भीड़ थी यहाँ पर। 2.5 लाख की? 2.5 लाख की भीड़ थी। हाँ अच्छा, आप जब प्रशासन की गलती है, प्रशासन नहीं था यहाँ पर, तो बाबा की खुद की सेना यहाँ पर, वो तो सेना थी, तू कहाँ संभाल पाई सेना, मर गए लोग। तो भाई कुछ लोग अभी भी फैंस, जो बाबा के फैंस हैं वो अभी भी उनको भगवान मार रहे हैं। वो भगवान कैसे मार रहे हैं भाई, मेरे को जवाब चाहिए इसमें, भगवान कैसे मार रहे हैं उनको? जब बाबा भगवान स्वयं भगवान है तो उनको 50,000 यहाँ पे उनके गार्ड्स थे, जब 50,000 गार्ड्स लेने लेके आए वो यहाँ पे, जब भगवान थे तो क्यों लेके आए वो 50,000 गार्ड्स यहाँ पे? उनके स्वयं 50,000 गार्ड्स थे यहाँ पे, यहाँ से सिकंदर राव तक, यहाँ एटा तक यहाँ पे गार्ड्स थे उनके। तो भाई ये मेरे को जवाब चाहिए उनके फैंसों से, मेरे को जवाब चाहिए, जब इनको इतनी सिक्योरिटी क्यों भाई? अगर वो भगवान है तो इतनी सिक्योरिटी रखने से क्या है, उनको क्या डर है, उनको 50,000 सिक्योरिटी लेने के क्या डर है उनको? आप बाबा को क्या मानते हैं? बाबा को मैं कुछ नहीं मानता, ऐसे बाबा ढोंगी बाबा है ये, मैं ऐसे बाबाओं को कुछ बाबा नहीं मानता। लोगों को सुनने और हालातों को देखने के बाद ये कहना गलत नहीं होगा, भले इस घटना को पुलिस प्रशासन या कार्यक्रम आयोजन समिति हादसा बता रही हो, लेकिन यह हादसा लापरवाही के कारण कत्लेआम से कम नहीं लगता। वैसे तो पुलिस ने मामले में पाखंडी बाबा सूरजपाल को आरोपी भी नहीं बनाया है, लेकिन प्रत्यक्षदर्शियों का आरोप और बाबा के फरार होने की कहानी ये साबित कर रही है कि बाबा लाख दावे कर ले कि वो बेगुनाह है, लेकिन इस घटना के लिए जिम्मेदार वो भी है और उसे भी कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए।